नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका दीपक ऑटो सेंटर के नए वीडियो में। ये टीवीएस फ्लेम है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि ये इसकी कार्बोरेटर खराब हो गई थी और ये माइलेज बिल्कुल भी नहीं दे रही थी, तो मैंने इसमें दूसरी गाड़ी का कार्बोरेटर लगा दिया। देख रहे हैं, इसका कार्बोरेटर नहीं मिल रहा था क्योंकि ये गाड़ी बंद हो चुकी है, तो इसका मार्केट में सामान वगैरह भी नहीं आता। तो मैंने क्या किया कि इसमें कार्बोरेटर दूसरे गाड़ी का डाल दिया। देख रहे हैं, पहले मैंने सुपर स्प्लेंडर का डाला था तो उसमें ज़्यादा पेट्रोल जा रही थी, तो मैंने उसे हटाकर फिर स्प्लेंडर का डाल दिया। तो ये स्प्लेंडर है, सॉरी स्प्लेंडर ही है, मतलब ओल्ड वाली है। तो इसमें हमने क्या किया कि एक फ्लेंच बनाया जिसमें कार्बोरेटर टाइट होता, ये लोहे का फ्लेंच देख रहे हैं। ये मैं कैसे बनाया इसके लिए आप मेरा ब्लॉग चेक कर सकते हैं, ब्लॉग में मैं ये सब जानकारी देते रहता हूँ। मेरा एक चैनल है ब्लॉगिंग का, उसमें मैं ये सब जानकारी देता रहता हूँ। तो इसे मैंने बनाया, यहाँ पर एक पाइप दिया हूँ 1.5 इंची का, और पाइप देकर इस पत्ती में वेल्डिंग करवा कर और इसके नाप का 2 होल करवा लिया। 2 होल करवाने से क्या हो गया कि ये इसमें टाइट हो गया। बीच में ये पैकिंग हमने दे दिया, 4-5 दे दिया, और देने के बाद इसे हमने टाइट कर दिया। टाइट करने के बाद और इसे फिटिंग कर दिया। फिटिंग करने के लिए हमें पेट्रोल में कोई चेंजिंग नहीं करना पड़ा क्योंकि इसका जो पेट्रोल सप्लाई है वो पुराना वाला ही है। ये देख रहे हैं, उसका एयर के लिए ये पाइप यहाँ पर दिया हुआ, मैं आपको उस तरफ से दिखा रहा हूँ। ये एयर वाला पाइप है जो कि स्कूटियां में रहती है, टीवीएस में भी रहता है, स्कूटी वगैरह में भी सेम सिस्टम रहता है। ये यहाँ चौक है, मैं इसका वायर को यहाँ पर बांध दूंगा, यहाँ पर ये सब बांध दूंगा ताकि चौक देने में आसानी हो कभी स्टार्टिंग ना हो तो। और यहाँ पर हॉस पाइप मैंने ये चौपर का रबर डाल दिया है। हॉस पाइप ये बड़ा हो रहा था तो वो काम नहीं कर रहा था, तो मैंने छोटा डाल दिया चौकर वाला। और बाकी और भी कोई चेंजिंग नहीं है, सब सही है, सब ठीक ठाक कर रहा। हमने स्टार्ट वगैरह करके दे दिया, गाड़ी हमारे पास पड़ी हुई थी 8-10 दिन से, तो ये चेंजिंग करना था तो हमें समय नहीं मिल रहा था, तो हमने ये चेंज कर दिया फिलहाल। और बाकी हम ये सारा इसका बॉडी वगैरह सब कम्प्लीट कर देंगे और कम्प्लीट करके इसे फिटिंग कर देंगे, तो ये अब माइलेज सही देगी मेरे ख्याल से, 50 से अबव देना चाहिए। चलिए मैं आपको इसे स्टार्ट करके दिखाता हूँ। जब भी मैं कोई नया किसी चीज़ का सामान दूसरे गाड़ी में डालता हूँ तो उसका जानकारी मैं ब्लॉगिंग चैनल पर देता हूँ, जो कि मेरा दूसरा चैनल है, कैसे क्या करना है वो। ये सही काम कर रहा, मैं इसे ट्रायल ले लूंगा। ये कल से खड़ी थी, एक एक में स्टार्ट हुआ, ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग ट्रबल करेगा। ये देख रहे हैं, ये सही तरीके से काम कर रहा। तो ये थोड़ा स्लो रखा है हमने, ये कल से खड़ा है इसलिए ये बंद हो गई। अब मैं चलाऊंगा तो ये बंद नहीं होगी, अपने आइडल पे ये खड़ा रहेगी। तो कभी भी ऐसा होता है कि किसी गाड़ी का सामान नहीं मिल पाता है, तो हम क्या करते हैं कि उसी तरह का किसी दूसरे गाड़ी जो कि काम करना चाहिए, दूसरे गाड़ी का सामान इसमें इंस्टॉल कर देते हैं, उसमें लगा देते हैं। क्योंकि छोटे मोटे सामान के लिए हम गाड़ी को खड़ी नहीं रह सकते हैं, गाड़ी स्क्रैप में नहीं भेज सकते, क्योंकि हर लोगों का बजट नहीं होता है कि दूसरी गाड़ी ले लें, तो हमें कुछ चेंजिंग करके गाड़ियां चलानी पड़ती है। तो ये कार्बोरेटर, अगर आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम है तो आप देख ले कैसे आपको कार्बोरेटर लगाना है। अगर आपके साथ भी कहीं प्रॉब्लम हो तो आप ये चेंजिंग कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल भी सही फिटिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, आराम से ये चलेगा। और मैं अभी इसका ट्रायल कर लूंगा और ट्रायल करके जिनका गाड़ी है उन्हें मैं डिलीवर दे दूंगा। तो चलिए हम इसे फिर से स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं। चाबी ऑन है, बैटरी नहीं इसमें। तो मैं अभी इसका ट्रायल ले रहा हूं, उसके बाद मैं इसका लास्ट में कुछ क्लिप डाल दूंगा जो मैं इसका फ्लेंज बनाया था कार्बोरेटर का। तो ठीक है दोस्तों,
बस यही जानकारी देनी थी आज। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ ऐसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद।